हेलो फ्रेंड्स, तो अभी अभी जो है बिहार पैरामेडिकल का फर्स्ट राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको बताने वाले हैं कि आप अपना फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है आप अपने मोबाइल में कैसे देख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करें। देख सकते सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर रोल नंबर पासवर्ड दिखा रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग से आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, यही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड्स आ जाने के बाद जो है यहाँ पे सबसे पहले ये नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आना, आपको नीचे आने के बाद देख सकते हैं ये जो 6 नंबर पे फ्रेंड्स आपको शो हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCC PM 2022, इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही फ्रेंड्स वहाँ पर क्लिक करेंगे एक नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, और देखिए जिनको कॉलेज फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, ठीक है, जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनको अब आगे क्या करना है, ठीक है, उनको अब आगे क्या करना है, अगर इस तरह का फ्रेंड्स अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है, सवाल है, तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे दूसरे चैनल का। ठीक है, अगर फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला है उनके लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, नेट साइड थोड़ा सा यहाँ पर स्लो है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, नीचे आना होगा आपको। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप सभी, चेक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट राउंड 1 फॉर DCC PM काउंसलिंग 2022, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपना रोल नंबर डालना है, पासवर्ड फिल करना है, उसके बाद सिक्योरिटी पिन किसको बोला जाता है, देखिए सिक्योरिटी पिन ये जो है, ये जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है फ्रेंड्स इसी को इसमें भर देना है। ठीक है, उसके बाद साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद वहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे OTP सेंड करने का ऑप्शन आएगा। आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद जो है आगे बढ़ जाएगा, उसके बाद OTP जाएगा मोबाइल पर, OTP को वहाँ पर भर देना है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फ्रेंड्स OTP डालने के बाद सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर आपको क्लिक कर दीजिएगा। वहाँ पर अगर आपको कॉलेज मिलेगा तो नाम वहाँ पे शो हो जाएगा, और नहीं तो आपको फ्रेंड्स वहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स आप दूसरा वीडियो बना देंगे जिसमें आपको चेक करके बता देंगे आसानी से। ठीक है, फिलहाल आप अपने मोबाइल में भी चेक कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।